तो हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं फ्रेंड्स, वो है यूट्यूब चैनल ग्रो के ऊपर। क्योंकि फ्रेंड्स, आप भी एक नए क्रिएटर हो, आप हमेशा सोचते हो कि यार मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे होगा, उस पर व्यूज कैसे आएंगे, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कैसे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो बताने वाला हूं ना, उस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अपने खुद सजेशन होगा और खुद आपको समझ में आया कि यार मैं कौन सा कंटेंट पे वीडियो बनाऊं कि जिससे मेरा जो वीडियो है वायरल ज्यादा होगा, या कौन सा टॉपिक ऐसा चूज करूं जो आपका वीडियो वायरल होगा। तो फ्रेंड्स, मैं टॉपिक कहीं और से नहीं, आपके ही कंटेंट में से बताऊंगा कि कौन सा आपका कंटेंट की वीडियो वायरल होगी। तो आइए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल टेक्निकलर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो को लाइक कर दे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपको ट्यूटोरियल वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कैसे वहां जाके आप खुद ही अपने चैनल को एनालाइज कर सकते हो, उसमें चेक कर सकते हो और देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए हम ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको एनालाइजिंग दिखाता हूं कि आप खुद टॉपिक, जो आपके टॉपिक वायरल हो सकते हैं आप चैनल पर, आप खुद जाके सर्च कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मोबाइल की साइड स्क्रीन पर आ गया और आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने चैनल को, स्टार्टिंग चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, देखा, जैसा देख पा रहे फ्रेंड, मेरा चैनल टेक्निकलर है, इस पे मेरे 420 सब्सक्राइबर्स, इससे ज्यादा सब्सक्राइबर 420 सब्सक्राइबर्स है। और फ्रेंड्स, मेरा रियल टाइम व्यूज आ रहा है वो 661 आ रहा है फ्रेंड्स, और मेरा फ्रेंड्स गिने चुने कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं और धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे को भी 5 से 6 महीने यूट्यूब पे एक्सपेंड करते हो गया, मेरी वीडियो धीरे धीरे करके वायरल हो गए। जैसे फ्रेंड्स देख पा रहे, मेरे व्यूज है 5000K तक के व्यूज आ चुके हैं और मेरे जो वॉच टाइम है, वॉच टाइम मेरा 33 घंटे कुछ आ चुका है, इसके 33 घंटे तक इसमें आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें यही बताऊंगा कि आप अपना चैनल ग्रो कैसे कर सकते हैं, आप खुद ही टॉपिक अपने ही कंटेंट में से कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपनी वीडियो दिखा दूं कि मेरी कौन कौन सी वीडियो वायरल हुई पड़ी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहीं से आपको आइडियाज में आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जाओगे तो मैं आपको दिखा दूं मेरी टॉप सजेस्टेड वीडियो है जो टॉप में रैंक करे फ्रेंड्स यूट्यूब के लिए, वीडियो एडिटिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैं देख पाओगे जो ये जो मेरा मैंने ये टाइटल डाला था कि यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट कैसे करें, ये मेरा 2143 तक मेरे व्यूज आ गए। तो इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा तो ज्यादा है कि चांसेस है कि वो रैंक करेगा। उसके बाद सेकंड है कि यहाँ से मिलेगा अनलिमिटेड टॉपिक, रोज वीडियो बनाओ। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक भी मेरा काफी ज्यादा सजेस्ट किया था, आप यहाँ से इस टॉपिक को अगर दोबारा अगर बनाते इस पे वीडियो तो आपके व्यूज आने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद थर्ड है फ्रेंड्स टिप्स एंड ट्रिक्स, जो वाटर जो आप स्क्रिप्ट आप कैसे लिखते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाते हो ज्यादा। तो फ्रेंड्स, ऊपर के आपको सबसे पहले आपको ऊपर से 28 दिन का आपको टॉप से नीचे तक का लेना है, जिससे कि आपको दिखा कि 28 दिन में किस किस टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो रैंक की है। तो आप उसी टॉपिक को एक बार और उठा के हल्का सा एडिटिंग करके टाइटल में उसके ऊपर वीडियो बना डालिए, जिससे कि आपका और भी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स या व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिखा दूं कि मेरे स्टार्टिंग में व्यूज बिल्कुल नहीं आते थे, और मैं आपको ऑडियंस एंगेजमेंट थोड़ा दिखा दूं आपको कि फ्रेंड्स मेरे जो ऑडियंस है, पहले ऑडियंस से शो नहीं करता, पर अब जो ऑडियंस है मेरी आ रही है, जब किसी भी अनदर चैनल से आप जो नए क्रिएटर होते हो तो आपका यहाँ शो नहीं करता, बट लेकिन मेरा शो कर रहा है। क्योंकि नए क्रिएटर को काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि ऑडियंस क्रिएट करना, बट लेकिन मेरी ऑडियंस आ रही है, इन चैनलों से मेरी ऑडियंस मेरे पास आ रही है। तो उसके बाद दिखा दो फ्रेंड्स, धीरे धीरे और ऊपर जाता हूँ तो फ्रेंड्स आपको इंप्रेशन एंड रीच दिखा दो। फ्रेंड्स, इंप्रेशन मेरा कभी कभी घटता है, कभी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख पा रहे हैं YouTube सर्च से 5.5 है और एक्सटर्नल मेरा 31.6 है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें अगर आप भी वीडियोस को प्रमोट कराओगे, या तो किसी के पास अगर बोलोगे भाई अपने कमेंट्री पोस्ट में डाल, तो वो आपका एक्सटर्नल में ही आता है। तो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक ढूंढने, फ्रेंड्स आप टॉपिक चाहो तो यहीं से आप इन्हीं टॉपिक को उठा के दोबारा इन पे वीडियो बना सकते हो। जैसे कि देख पा रहे टॉप यूट्यूब सर्च आइटम्स, तो फ्रेंड्स मैं टॉप यूट्यूब पे सर्च कर किया गया ना, तो टैग मेरे जो वीडियो सर्च हुई है इन्हीं वीडियोस के ऊपर आप चाहो तो एक वीडियो और बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में आपको बताना चाहता था, आज की जो मेरी वीडियो बताने का यही मकसद है कि आप अपने ही एनालिटिक्स में जाइए और जो भी टॉप सर्चेस वीडियो है उन्हीं को सजेस्ट करके एल्गोरिज्म के हिसाब से उन्हीं के ऊपर एक और वीडियो क्रिएट कर डालिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपकी जो पब्लिक है उसी टाइप की वीडियो देखना पसंद कर रही है, तो उसके ऊपर एक वीडियो और बना दोगे तो आपका जो है जो दूसरा भी जिसमें मान लो 2000 व्यूज है, तो आप सेकंड वीडियो पे भी आपके 2000 व्यूज आने के चांसेस ज्यादा है। अगर 2000 व्यूज उस पर और आ गए तो आपके वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपके सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरा यही मकसद था कि आप अपने एल्गोरिज्म पे ध्यान दीजिए और अपने एनालिटिक्स को रोज
रिसर्च कीजिए, रोज उसे देखिए, क्योंकि आपके एनालिटिक्स से ही आप चाहोगे तो ऊपर ग्रो कर सकते हो। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज की जो वीडियो मैं आपको समझा, अगर आपको समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।